नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में पांच ऐसे सवाल जो सबसे ज़्यादा कपल के माध्यम से पूछे जाते हैं, बहुत जल्दी से कोशिश करूंगा कि उन पांचों सवालों का जवाब मैं वन बाय वन दे दूं और फटाफट आपको उसका आंसर मिल जाए। तो सबसे पहला सवाल यह पूछा जाता है कोर्ट मैरिज के लिए, नंबर वन क्वेश्चन ये है कि कोर्ट मैरिज के दौरान क्या विटनेस लाना जरूरी होता है। इस सवाल का आंसर यह है कि किसी भी प्रकार का आप कोर्ट मैरिज कर रहे हो, चाहे आप हिंदू मैरिज एक्ट में कर रहे हो, स्पेशल मैरिज एक्ट में कर रहे हो, या किसी भी प्रकार का वैलिड कोर्ट मैरिज अगर आप कर रहे हैं तो विटनेस की रिक्वायरमेंट होती ही है। अब ये विटनेस आप अपने साथ भी लेके आ सकते हैं या जहां आप शादी कर रहे हैं वहां से भी आप कोशिश कर सकते हैं कि वहां से आपको विटनेस मिल जाए और आपका काम हो जाए। तो कोर्ट मैरिज करने के लिए विटनेस की रिक्वायरमेंट होती है। आपको विटनेस या तो साथ में लेके आ सकते हैं या जहां मैरिज कर रहे हैं वहां पे आप अरेंज कर सकते हैं। इसके लिए जो भी एडवोकेट आपके मैरिज को करवा रहे हैं उनसे जरूर बात कर लीजिए, वो आपको पूरी तरह से गाइड करेंगे। दूसरा सवाल पूछा जाता है, इंटर रिलीजन मैरिज करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है। तो मैं आपको बताऊं, इंटर रिलीजन मैरिज करने के दो ही तरीके हैं। पहला तरीका है स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करना और दूसरा तरीका है कि आप कन्वर्जन करें और कन्वर्जन करके शादी कर लें। स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करना सबसे सही तरीका होता है क्योंकि ये पूरी तरह से लीगल और वैलिड होता है, इस पर कोई विवाद नहीं होता है। लेकिन नोटिस जाने का खतरा होता है, घर में सूचना मिल जाए इस बात का खतरा होता है, समय ज़्यादा लगता है, इस वजह से दिक्कतें आती हैं। लेकिन फिर भी अगर हम बोलें तो स्पेशल मैरिज एक्ट ही इंटर रिलीजन मैरिज करने के लिए सबसे बेहतर तरीका है। कई बार कम समय में शादी करना हो तो कन्वर्जन करके भी शादी कर लेते हैं, लेकिन कन्वर्जन करना बिल्कुल एक इंडिविजुअल की इच्छा होती है। अगर आपकी इच्छा हो तभी आप कन्वर्जन करें और उसके बाद से शादी करें। अगर इस तरीके से भी शादी करते हैं तो वैलिड होता है, लेकिन कन्वर्जन को लेकर के देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानूनें बनी हुई हैं और उस पर काफ़ी रोक है। तो अगर आप दबाव में या किसी प्रेशर में आकर के आप कन्वर्जन करते हैं तो इलीगल है और उसमें आपके पार्टनर के खिलाफ एक्शन होने की पूरी संभावना होती है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है, कहां से करूं कोर्ट मैरिज। तो दोस्तों, आपने लीड इंडिया पे आपने देखा होगा पिछले दिनों हमने कई सिटीज के प्रोसेस के बारे में वीडियो डाला है और अनेक सिटीज में किस प्रकार से आप कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, वहां की क्या प्रोसीजर है वो भी बताया है। तो एक चीज ये है कि आप लोकल में जहां रहते हैं वहां पे कोर्ट मैरिज कर लें या फिर कहीं दूर जाके कोर्ट मैरिज कर लें। जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी दिल्ली से काफ़ी दूर रहते हैं, गाज़ियाबाद से काफ़ी दूर रहते हैं, मुंबई से काफ़ी दूर रहते हैं, आप इन सिटीज़ में आकर के आप अगर शादी करते हैं तो बहुत इजीली हो जाता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि इन सिटीज़ में शादी बहुत जल्दी हो सकती है, सेम डे में हो सकता है, सेम डे में सर्टिफिकेट मिल जाता है। और पुलिस इन्वेस्टिगेशन अगर होता है तो दूसरे स्टेट के पुलिस को आकर यहाँ जांच करने में काफ़ी तकलीफें उठानी पड़ती है, तो वो बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं कर पाते हैं, जिससे कि आपके बचने और सेफ रहने के चांसेस बहुत होते हैं। लेकिन अगर आप लोकल में करते हैं तो फ़ायदा ये होता है कि आप नज़दीक में ही कर लेते हैं, समय कम लगता है, जाने आने का समय नहीं लगता है। लेकिन खतरा ये होता है कि लोकल में आप शादी करते हैं तो वहीं की पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, आपके फादर मदर जाकर के लोकल में आर्य समाज को या अथॉरिटीज़ को धमका सकते हैं और परेशान कर सकते हैं, जिससे कि शादी के टूटने या आपके पकड़े जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये डिपेंड करता है आपके प्रेफरेंस के ऊपर और आप उसी हिसाब से आप निर्णय ले सकते हैं। चौथा सवाल जो पूछा जाता है कि कोर्ट मैरिज के लिए एक्चुअल फीस कितना लगता है। तो दोस्तों, इसका जवाब यह है कि कोर्ट मैरिज के लिए फीस जो होता है वो कई पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक फीस होता है जो कोर्ट के अंदर पे किया जाता है, दूसरा फी आर्य समाज का होता है, तीसरा फी एडवोकेट का होता है, चौथा फी डॉक्यूमेंटेशन का होता है, पांचवा फी अपॉइंटमेंट का होता है। तो कई तरह के फीस लगते हैं, उन सभी फीस को मिला करके एक एक्युमुलेटिव फीस बनता है जो आपको बताया जाता है। अगर आप केवल एक पार्ट की बात करेंगे तो एक पार्ट का जो फीस, जैसे कोर्ट का फीस होता है, वो नॉमिनल फीस होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन हम देखते हैं कि आम तौर से अलग अलग लोगों से आप बात करेंगे तो अलग अलग फीस कोर्ट करते हैं, क्योंकि कई लोग अधूरे काम कराते हैं। जैसे कोर्ट मैरिज के नाम पर केवल आपका रिचुअल परफॉर्म करा दिया और मैरिज को रजिस्टर्ड नहीं कराया,
या फिर ऐसा कर सकते हैं कोर्ट मैरिज के नाम पे आपको नोटरी सर्टिफिकेट एक फेक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दिया, या कोर्ट मैरिज के नाम पे हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन खाली दिला दिया, मैरिज का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, इस वजह से भी फीस काफ़ी अलग हो जाता है। एक और चीज़ देखने को मिलता है कि कई लोग कम फीस बता करके आपको बुला लेते हैं और शुरू में कुछ एडवांस पैसे आपसे ले लेते हैं, बाद में वो आपको परेशान करने लगते हैं और ज़्यादा फीस मांगने लगते हैं। तो एक्चुअल कोर्ट मैरिज का जो फीस होता है वो अलग अलग लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि लीड इंडिया का जो फीस है वो बिल्कुल जेन्युइन है और बिल्कुल वो फीस है जो ना ज़्यादा है ना बिल्कुल कम है, ऐसा है जिसमें आपको एक जेन्युइन फीस आप कह सकते हैं। और जेन्युइनली उस फीस को जब भी आप बुक कराते हैं तो हमारी वेबसाइट leadindia.law पर उसका एविडेंस रहता है, आप उसको देख भी सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। और फिफ्थ क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि क्या कोर्ट मैरिज करने के बाद से गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पैसे भी मिलते हैं क्या? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि अगर आपने कोर्ट मैरिज किया तो किन कपल को गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलता है। तो उसका लॉ ये है, रूल ये है कि ऐसे कपल जो कि इंटरकास्ट मैरिज करते हैं, इंटरकास्ट मैरिज में भी अगर एक जनरल क्लास का व्यक्ति किसी एससी एसटी से शादी करे या एससी एसटी जनरल क्लास में शादी करे तो उस केस में समाज से कास्टिज्म खत्म हो इसको बढ़ावा देने के लिए पारितोषिक के तौर पे, इनाम के तौर पे पैसे गवर्नमेंट देती है। स्टेट गवर्नमेंट का भी स्कीम होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी स्कीम होता है। डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट का अपना अपना स्कीम होता है। यह पैसे आपको 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक भी मिलते हैं। स्टेट में अगर केवल स्टेट गवर्नमेंट दे रही हो तो 40-50 हज़ार तक भी पैसे मिलते हैं। ये कम मैं बता रहा हूँ जो स्टेट गवर्नमेंट खाली देती है। लेकिन अगर आपने इंटरकास्ट मैरिज किया हुआ है और इस कैटेगरी में फॉल होते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप भी अगर कोर्ट मैरिज से संबंधित सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पे कॉल कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट leadindia.law पर विजिट कर सकते हैं। कॉल करने का समय सुबह 9 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक है। अगर पर्सनली आपको मेरे से बात करना हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं subhash@leadindia.law पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।